आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं हम ड्रिल के डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो आइए पहले शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं ड्रिल किस टाइप का, ये आपका टेपर सेंक ड्रिल दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें टेपर सेंक ड्रिल में आपके ये जो है सेंक में आपके यहाँ जुड़ा है, ये आपका टैंक है। ये टैंक आपका केवल टेपर सेंक ड्रिल में ही होती है, स्ट्रेट सेंक ड्रिल में नहीं होती है। इसका मुख्य काम क्या होता है, ये ड्रिल मशीन के स्पिंडल में ही एंट्री करती है और आपके ड्रिल को घूमने नहीं देती है। दूसरा आता है इसमें सेंग, ये आप देख रहे हैं हिस्सा, इसमें ये सेंग वाला हिस्सा है। ठीक है, ये सेंग आपकी कौन सी है, टेपर सेंग है। ये सेंग कई टाइप की होती है, जैसे कि टेपर सेंग होती है और ये आप ड्रिल में देख रहे हैं इसको हम स्ट्रेट सेंग बोलते हैं, और तीसरी होती है रैचिट टाइप, और चौथी होती है बिट टाइप। ये आपकी सेंग होती है। ठीक है, आइए अगला चलते हैं। ये लिखा है नंबर 3 पे नेक, नेक मैंने गर्दन, नेक वाले हिस्से पर ड्रिल के साइज को मेंशन किया जाता है। जैसे कि आप ड्रिल का साइज देख रहे हैं 20.5 और लिखा लिखा HSS हाई स्पीड स्टील, क्योंकि आपके ड्रिल हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। अगला आते हैं इसके बाद में आते हैं नंबर 4 पे। ये देखिए नंबर 4 पे दिखा दिया है ये बॉडी। बॉडी में क्या है, जितने हिस्से पर आप देख रहे हैं ये आपके नेक से लेकर के और ड्रिल के लास्ट पॉइंट तक, जैसे आपका ड्रिल है तो ये आपके नेक से लेकर के इसका ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इसके पॉइंट तक इसकी बॉडी कहलाती है। ठीक है, ये बॉडी का हिस्सा है, ये आपके पूरे आपके यहाँ फ्लूट्स बने हैं। ठीक है, मार्जिन है, लैंड है, पूरा इसमें क्षेत्र बना है, सभी आगे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है इसमें 5 नंबर में यारा फ्लूट लेंथ, जहाँ से फ्लूट स्टार्ट होते हैं, यहाँ से देख रहे हैं आप, ये इस पॉइंट से स्टार्ट है और लास्ट बिंदु तक, ये इसको फ्लूट्स बोलते हैं, क्योंकि ये घूमे हुए होते हैं, इसलिए इनको फ्लूट्स बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसे बोलते हैं फ्लूट लेंथ। ठीक है, इसके आगे बढ़ जाते हैं हम, जैसे ये लिखा है यहाँ पर हेलिक्स एंगल। ठीक, तो जो आपके ड्रिल में ड्रिल है ये ड्रिल के स्पीच में सेंटर लाइन दिखाई जा रही है। सेंटर लाइन में एक लाइन छोटी एक लाइन बड़ी होती है, तो ये सेंटर लाइन दिखाई गई है। इस सेंटर लाइन से ले करके और ये मार्जिन वाला जो हिस्सा है आप देख रहे हैं, इसमें ये एंगल दिखा रहा है, तो इसको हम हेलिक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं इसके बाद में, ये आपका है पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल क्या होता है, ये आप हिस्सा देखें आप, इसमें ये आपका एक पॉइंट दिख रहा है आपको। ठीक है, ये फ्लूट ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये बीच में एक एंगल बन रहा है। जैसे कि मैं यहाँ रखूँगा ड्रिल को, तो आप देखिए ये आपका हिस्सा दिखा रहा है एंगल वाला, तो ये आपका ये देखिए इस टाइप से ही एंगल में शो करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट एंगल। फिर इसके आगे बढ़ते हैं, फिर ये कहलाता है ये पॉइंट। ये आपका यहाँ जहाँ दोनों बिंदु मिल रहे हैं, ये केंद्र के ये जो एंगल के बिंदु मिल रहे हैं, इसको हम पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट ही आपके ड्रिल होल होने के लिए एंट्री करता है। इसमें दिखा रहा है फ्लैंक, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये इसका ये फ्लैंक कहलाते हैं, ये वाले हिस्से आपके ये इसमें फ्लैंक कहलाते हैं। ठीक है, लिखा है हाइट ऑफ पॉइंट, यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा, यहाँ से हिस्सा ये आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर इसको हम ऊंचाई पर नापेंगे यहाँ से लेकर इस तरह से इसमें लाइन अगर डाल दें तो ये हाइट ऑफ पॉइंट कहलाता है, इतना हिस्सा ही हाइट ऑफ पॉइंट कहलाता है। फिर आता है ड्रिल डायामीटर, जैसे ड्रिल अब ये दिखाता, यहाँ पर साइज लिखा हुआ था 20.5, तो ये क्या है ड्रिल का साइज है। तो ड्रिल का साइज कहाँ से लेते हैं हम, इस पॉइंट तक हम साइज को लेते हैं, ये आपका ड्रिल साइज होता है। ठीक है, फिर इसकी ये दिखा रहे हैं फ्लैंक, तो फ्लैंक आपकी ये हो गई वाला, फिर से फ्लैंक हो गया। इसी चीज़ को हम पूरा क्लियर करने के लिए आगे आते हैं, जो हमारे कुछ ये आप देख रहे हैं चित्र में, कुछ ये देख रहे होंगे, वो आपको बताता हूँ क्या है इसमें। चलिए अब हम इधर साइड से चलते हैं, ये दिखाया हुआ है चीजल एंगल्स, ये पूरा एरिया दिखा रखा है, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक ये दिखा रखा है चीजल। चीजल मतलब होता है कटिंग वाला क्षेत्र, जो कटिंग होती है, जैसे ये पूरा क्षेत्र है आपका यहाँ से इस पॉइंट से ये इधर का वाला पूरा ये चीजल है, क्योंकि ये हिस्सा क्या है धातु को मेटल को काटता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये आता है ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ये क्या है मार्जिन। मार्जिन क्या होती है, देखिए इसमें एरो लगा रखा है ये मार्जिन, ये वाला हिस्सा मार्जिन। मार्जिन क्या होती है, ये पॉइंट दिखा रखा है मार्जिन विथ। मार्जिन जो होती है ये आपके फ्लूट्स के ऊपर ये पॉइंट लगा रही देख रहे हैं आप, चमकीली सतह होती है, इसको मार्जिन बोला जाता है। ये मार्जिन आपके 0.5 से 2 mm के लगभग तक होती है। ये मार्जिन वाला हिस्सा है, ये कटिंग करते समय मेटल के संपर्क में होता है, और पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं कि लेंस में होता है। ठीक है,
फिर है इसमें दे रखा मार्जिन विड्थ, यानी मार्जिन की मोटाई क्या होती है। इसमें देखें आप, ये मार्जिन है और ये इधर वाला बिंदु है, तो आप देखेंगे एक कंस्ट्रक्शन जैसे स्टेप सा दिखाई दे रहा है, ये ऐसे स्टेप दिखाई दे रहा है इस टाइप से, वैसे इसमें पोजिशन आपको ये दिखाई देगी। ये देखो ये हल्का स्टेप दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये हल्का स्टेप दिखाई दे रहा, और ये आपको घुमा इधर से आया, ये देखो आप बिल्कुल ऐसे ही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, इसके बाद आता है डेप्थ ऑफ बॉडी क्लियरेंस। डेप्थ ऑफ बॉडी क्लियरेंस क्या होती है, आपका ये मार्जिन वाला हिस्सा उठा हुआ हिस्सा है ऊपर का, और ये कितना डाउन नीचे जा रहा है, ये आपका नीचे को कितना डाउन जा रहा है, ये आपकी क्या कहलाती है, डेप्थ ऑफ बॉडी क्लियरेंस कहलाती है। फिर आपका अगला आता है फ्लूड्स। फ्लूड्स क्या होते हैं, ये आपके जो हिस्से हैं या ये सब भी क्या है ना, ये फ्लूड्स कहलाते हैं, ये सारे हैं ये फ्लूड्स कहलाते हैं। और इसके बाद आता है फ्लूड्स विद, जो आपकी फ्लूड्स है ये आपके बने हैं ये, ठीक है, ये वाले हिस्से आपके ये फ्लूड्स विद कहलाते हैं। हम फ्लूड्स हमारा कहाँ तक मोटाई में है। फिर ये आपका है इसमें कटिंग एज, ये आपके हिस्से देख रहे हैं धार बनी है यहाँ पे, ये इसका कटिंग एज बनी इधर, जैसे ये ड्रिल आपका घूमता है इस तरह से क्लॉकवाइज चलता है, तो ये वाला हिस्सा आपका ये आपका कटिंग एज है इसका, ये कटिंग एज। फिर इसके दूसरी साइड पे जाकर के होगा, जैसे ये सामने से है तो उधर जाकर के इसके एकदम पीछे होगा, एक क्लॉकवाइज इस तरह से घूमता कटिंग करता है, ठीक है। और ध्यान दें कि इसमें जो मार्जिन वाला हिस्सा होता है यही आपके मेटल के संपर्क में रहता है। इस प्रकार से आप जान गए होंगे कि ड्रिल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और इसके बाद में आप ड्रिल के पॉइंट्स वगैरह जितने भी हैं इसमें पॉइंट्स हैं सबको आप भली भांति सीख लें, जान लें।